मामा डीएसपी, मेरे पापा डीएसपी, साथ में लड़का था, उसने मेरा रेट रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। यही है योगी का इंजाम, योगी आदित्यनाथ, यही नोएडा साइबर सिटी। दोस्तों, अगर एक साधारण महिला से उसके चरित्र पर उंगली उठाते हुए उसका रेट पूछा जाएगा, उसकी कीमत पूछी जाएगी, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। इस वीडियो में एक महिला है, नोएडा की महिला है, उत्तर प्रदेश की महिला है, ये दावा कर रही हैं कि कुछ लफंगे आते हैं और उनसे उनका रेट पूछने लगते हैं, उनकी कीमत पूछने लगते हैं। उसके बाद से ये महिला इस वीडियो में ये बताती हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है और सीधे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पर सवाल रोते हुए उठाती हैं। ये वीडियो भावुक कर देने वाला है और प्रशासन शासन पर सवाल करने वाला है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर बाद में इस वीडियो में क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का था जिसने मेरा रेट पूछा और मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने देवर के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले लेकर आए मुझे, उसमें वो लड़की दबदबा दिखाने लगी कि मेरे मामा डीएसपी, मेरे पापा डीएसपी। हमने बोला कि भाई डीएसपी से कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारे जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। इससे किस हस्बैंड को, किस देवर को गुस्सा नहीं आएगा, उन्होंने गुस्सा किया उस पर। उन्होंने उसको गुस्सा किया, उसको चलाया, तो वो लड़की हम लोग को धमकी देने लगी, तुम पे मैं ऐसा केस लगवाऊंगी, तुम पे ऐसा केस लगवाऊंगी। उसके बाद में यहाँ पे एक कुमार साहब है, उन्होंने मुझे बोला और मेरे साथियों को, मतलब मेरे साथी क्या, मेरे देवर को बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम बाहर जाओ और उन लोगों को अब वीडियो दिखाओ, अब वीडियो दिखाओ, सारे साथ में है और हम लोग बाहर हैं क्योंकि हमारी कोई कंप्लेन लिखने को तैयार नहीं है। यही है योगी का इंसाफ, यही है योगी का इंसाफ, योगी आदित्यनाथ, यही नोएडा साइबर सिटी। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर हैरान हो गए होंगे और सोचने लगे होंगे कि ये घटना उत्तर प्रदेश में कैसे घटती है, जिस उत्तर प्रदेश में ये दावा किया जाता है कि यहाँ महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि वो रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी निकले सुरक्षित है। उसी उत्तर प्रदेश में एक महिला से उसका रेट पूछा जा रहा है और उसके बाद से महिला तमाम आरोप भी लगा रही है और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। जब ये वीडियो दोस्तों मेरे पास आया, सोशल मीडिया के माध्यम से आया, तब मैंने इस वीडियो की तहकीकात करनी शुरू की। तहकीकात की शुरुआत में मैंने पाया कि लोक कवि नेहा सिंह राठौर हैं जो ये लिखती हैं। इस वीडियो को नेटाफ्लिक्स नाम पर जब ट्वीट किया गया तो उसके बाद से नेहा सिंह राठौर इसको रिट्वीट करके लिखती हैं, नोएडा में रईस ज्यादा राह चलती बहन बेटियों से उनका रेट पूछ रहे हैं, इसे टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, इन लफंगों को उनके किए गए सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस ट्वीट के रिप्लाई में डीसीपी नोएडा का जवाब आता है कि उक्त संबंध में पुलिस के सामने कोई शिकायत नहीं आई है, वायरल वीडियो की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये नोएडा के डीएसपी का जवाब, डीसी का जवाब है और यहां नेहा सिंह राठौर का ट्वीट है और नेटफ्लिक्स पर इस वीडियो को अपलोड किया गया है। जब इसकी और तहकीकात में हम चलते हैं तो ये वीडियो एक और ट्विटर हैंडल पर ट्वीट मिलता है जिसका नाम है ट्री सिटी। ट्री सिटी एक वेबसाइट है जिसपे खबरें प्रकाशित की जाती है। इस खबर को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, उसके बाद से हम इसके विश्लेषण पर पहुंचेंगे। इस खबर को पढ़ने पर शुरुआत में यह पता चलता है कि मामला जो है वो सेक्टर 38 स्थित गार्डन गैल
गैलेरिया मॉल का है और सोमवार में ये एक बार की घटना है जहां पर दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है। वहां पर पुलिस भी पहुंचती है, मामले को सुलझाने की कोशिश करती है और जो जीआईपी चौकी है वहां पर इस दोनों पक्ष को ले जाया जाता है। उसके बाद खबर में पूरे मामले को बताया जाता है और लिखा जाता है एक महिला ने खुद को पीड़ित बताते हुए इस वीडियो शेयर की है। महिला ने आरोप लगाया है कि वह अपने पति और देवर के साथ एक बार में गई थी। बार वहीं जहां शराब परोसी जाती है या कॉकटेल या मॉकटेल परोसा जाता है, जहां दूसरे पक्ष के युवकों ने उससे अभद्रता की और महिला ने इस व्यवहार का विरोध किया लेकिन इसके बारे में अपने पति और देवर को बताया। इसके बाद महिला का पति और देवर उन युवकों से बातचीत करने लगे जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, फिर मारपीट हो गई। महिला ने इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई जाती है। इस महिला की वीडियो आपने देखी होगी। जेल भेजने की धमकी खबर का दूसरी एडिंग है, उसमें कहा जाता है महिला के वीडियो के अनुसार दूसरे पक्ष की युवती ने अपने पिता को डीएसपी बताते हुए धमकी दी है कि वह उसके और उसके परिवार को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा देगी। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि महिला के साथ साथ व्यक्ति नाचते समय उनकी युवती के साथ हाथ पकड़ लिया था, जब इसका विरोध किया गया तो झगड़ा शुरू हो गया। कुल मिलाजुला के ये घटना जो है वो एक बार में घटती है जहां पर दो पक्ष जाते हैं, डांस का माहौल रहता है, शराब का भी माहौल होता होगा और वहां पर दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है। लेकिन इन महिला का ये आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग इनका रेट पूछते हैं, इनकी कीमत पूछते हैं और उसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। क्योंकि इसमें नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लिया गया है इसलिए ये मामला और हाइप करता है। फिलहाल नोएडा पुलिस ने कहा है कि इस मामले में अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है, दोनों पक्षों में समझौता किया गया है। खबर के हिसाब से समझौता हो चुका है, पुलिस जीआईपी चौकी पर दोनों पक्षों की लिखित शिकायत देने को कहा है, दोनों पक्ष लिखित शिकायत दें, क्योंकि लिखित शिकायत पर ही पुलिस कार्रवाई करती है। शिकायत देने पर कहा है लेकिन दोनों पक्षों ने मौखिक आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत देने से मना कर दिया। इसके बजाय दोनों पक्षों ने आपस में समझौता करने की बात की और अपने अपने घर लौट गए। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों गौर सिटी के निवासी थे। इस समझौते के बावजूद घटना काफी गंभीर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। चूंकि वीडियो कल रात का है और कल रात ही पुलिस के हिसाब से मैं मामले की अभी तह तक नहीं हूं, पुलिस के हिसाब से समझौता हो गया है। आपसी विवाद में ये बार में घटना हुई थी लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम होने की वजह से, मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के, ये वीडियो हाइप हो गई। विपक्ष सहित तमाम लोगों ने इसे ट्वीट किया और कहा उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है जहां पर महिलाओं से उनका रेट पूछा जाता है, उनकी कीमत पूछी जाती है। वायरल घटना पर अभी तक की यही जानकारी है, आगे कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।